हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद ऐश। दिस इज आशु। सो गाइस, आज है अष्टमी और हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल देख रहे हैं, तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है, तो सोचा आपके साथ शेयर भी कर दूं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गेट रेडी विद मी, सो ओके लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पोर्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र, तो काफ़ी लाइट जेल है और बहुत ही अच्छा जेल है, तो आप ये यूज़ करें मेकअप से पहले। तो यहाँ पे हम अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे। एंड गाइस, बहुत ही कम टाइम बचा था, सब रेडी हो चुके थे, तो मैं ही रह गई थी, तो जल्दी हम यहाँ पे मेकअप करूँगी। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लैक्मे का जेल प्राइमर, तो काफ़ी अच्छा जेल प्राइमर है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है काफ़ी वीडियोज़ में। तो हम अप्लाई करेंगे इसको अच्छे से बारी आती है कंसीलर की, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर, ये वाला ऑरेंज शेड अंडर ऑफ माय आईज। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं इसको अच्छे से, थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स आ गए हैं मेरे, तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन जो भी ब्लेमिशेज एरिया होगा वहाँ पे, तो इसके थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी सेकेंड कंसीलर, आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे दोनों आंखों पर पंच मार दिया हो, तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेते हैं ब्लेंडर की हेल्प से। एंड इस कंसीलर के थ्रू आप अच्छे तरीके से अपने जो भी स्किन टोन है, डिसकलरेशन है, वो हाइड कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा पैलेट है ये कंसील करने के लिए, तो इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। अभी हम लगा रहे हैं ब्लू हेवन का फ्लॉलेस लिक्विड कंसीलर, एंड इसको मैं वहीं पे लगाऊंगी जहाँ पे मैंने पहला कंसीलर लगाया था। एंड अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे, एंड जो भी डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो जल्दी से इसको आप ब्लेंड कर लेते हैं। नाउ आई एम अप्लाइंग लैक्मे 925 का CC क्रीम, जो कि शेड है आपका बेज। तो इसको अच्छे से हम पहले अप्लाई कर लेते हैं ओवरऑल माई फेस, एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू अप्लाई ऑन योर नेक, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हम गले में लगाना भूल जाते हैं, तो फेस अलग दिखता है और नेक अलग दिखता है, तो कलर अच्छा नहीं लगता, मिस मैच हो जाता है, तो आपको नेक पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। एंड इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फेस पाउडर और कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी स्किन का कॉम्पैक्ट प्लस पैन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बैक साइड में पैन दे रखा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा पैन प्लस कॉम्पैक्ट है, काफ़ी फ्लॉलेस लुक देता है। तो यहाँ पे मैं अंडर ऑफ माय आईज अप्लाई कर लूँगी पहले पैन, एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर। तो मैं यहीं पे इनसाइड प्रो का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे कॉन्टोर प्लस कंसील दोनों है। तो पहले नोज़ करेंगे, एंड मैं फेस बहुत कम एकदम ना के बराबर कॉन्टोर करती हूँ, बट आज मैं ट्राई कर रही हूँ कॉन्टोर करके। तो तो मैं यहाँ पे चिक्स पे भी लगा रही हूँ, तो पहले नोज़ पे अप्लाई कर लेते हैं देन चिक्स पे, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, मैं बेबी स्किन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने कॉन्टोर किया था उसके नीचे मैं कुछ ऐसे लाइन के थ्रू लाइन जैसे अप्लाई करूँगी। ठीक है, देन यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं इसको। अब बारी आती है ब्रोज की, तो जल्दी से ब्लू हेवन के ब्रो पेंसिल से यहाँ पे ब्रो फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देन ब्रश भी कर लेंगे, एंड देन यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर ब्रो बोन पे और उसके आसपास एरिया पे, ताकि हमारी ब्रो शार्प हो जाए। तो जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ ब्रश, देन जो भी ओवरऑल है उसको हम ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब मोशन में क्लीन कर लेंगे। बारी आती है आई शेडोज़ की, अब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि भाई जल्दी करो लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने आई शेडो पर, नॉर्मल लुक दूंगी कुछ नहीं, जस्ट ओवरऑल अपने आईज़ पे मैं अप्लाई करूँगी। तो ये मेरे ड्रेस से साड़ी से मैचिंग कलर लिया है मैंने, ऑरेंज काइंड ऑफ कलर है।
ऑरेंज और स्किन टाइप कुछ साड़ी कलर थी, आई डोंट नो कि क्या बोलते हैं उस कलर को। तो जल्दी से हमने आई शेड अप्लाई कर लिए सिंपल तरीके से, एंड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं लाइनर। तो फटाफट लाइनर अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। देन हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो यहाँ पे मैं रेड काइंड ऑफ दिस शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर ब्लशिंग माई चिक्स। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन दी एपल ऑफ माई चिक्स, ताकि जब मैं स्माइल करूँ तो मेरे चिक्स ब्लश करें, यू नो, रेड रेड अच्छे लगे। तो अब बारी आती है लिप्स की। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, ठीक है, इससे नरिश रहेंगे आपके लिप्स। एंड यहाँ पे मैं फटाफट, यू नो, मैं दूसरी लिपस्टिक ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी, तो मुझे यही लिपस्टिक लगानी पड़ी। तो यू नो, अप्लाई कर लेते हैं फटाफट लिपस्टिक। एंड देन अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू नो, हाईलाइटर। तो मैं येलो शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ हाईलाइटर। एंड मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत ही पसंद है क्योंकि बहुत ही इससे मेकअप बहुत शाइन लगता है, आपकी नोज़ एंड आपकी, यू नो, चिक्स अलग ही लुक देते हैं हाईलाइटर लगाने के बाद, बहुत ही शाइन करते हैं। तो मुझे हाईलाइटर लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो एज यू कैन सी कितना ग्लो सा आ गया हाईलाइटर लगाने के बाद। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाती हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रो बोन पे भी लगा लेते हैं एंड थोड़ा सा अपर ऑफ माई लिप्स। एंड देन या हमारे यहाँ पे लुक डन होता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको रेडी होकर दिखाऊंगी। तो हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। सो या रेडी हो जाते हैं, सो लेट्स गो। तो या गाइज, दैट्स माय फाइनल लुक। तो कैसे लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, येस, मैंने अपनी लिपस्टिक चेंज कर दी थी, मुझे बाद में दूसरी लिपस्टिक मिल गई थी तो मैंने चेंज कर दी। एंड दैट्स माय साड़ी, कैसा लग रहा है। सो या गाइज, दैट्स इट। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। एंड या कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड या दुर्गा पूजा का व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो भी देखना मत भूलना। तब तक लिए बाय बाय।